सो गाइस, यहां पर अगर आपने बेबी डॉज होल्ड कर रखा है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म जैसा कुछ नहीं दिख रहा है, और अगर आप इस कॉइन को कहीं सेल करने का सोच रहे हैं या फिर कुछ और दिमाग में चलने लगा है, तो ये कुछ न्यूज आपको अपने इरादों को पक्का करने में काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है, या फिर सेल करने के लिए या फिर आप होल्ड करने के लिए, आपका डिसीजन एटलीस्ट क्लियर हो जाएगा। तो शुरुआत से एंड तक वीडियो जरूर देखना, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि ऐसे बेस्ट वीडियोस मैं देते रहता हूं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं आपका शिवम सिंह स्वागत करता हूं हमारे चैनल, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले बेबी डॉज कॉइन के बारे में। रिसेंटली बहुत सारी अपडेट निकल कर आ गई है बेबी डॉज की। पहला जो आया, नाउ पेमेंट्स ने बेबी डॉज को एक्सेप्ट कर लिया है, एक्सेप्ट एज अ पेमेंट के तौर पे। मैं आपको समझाता हूं कैसे। ये वेबसाइट जो है, जैसे रेजर पे है या पेटीएम है, ये गेटवे प्रोवाइड करती हैं। आपको कुछ भी खरीदना या बेचना हो अपनी खुद की वेबसाइट में, तो आप गेटवे लगाते हैं जहां से पेमेंट एक्सेप्ट या फिर भेजी जा सके। एज इट इज ये वेबसाइट वही काम करती है। तो अब जो है, इसने ट्रेंडिंग कॉइन थे जैसे बिटकॉइन, इथेरियम और बड़े बड़े जो कॉइन है, वी चेन और उसके बाद यूएसडीटी, बीयूएसडी, इन सब कॉइन्स को ये एक्सेप्ट कर रहा था। तो अब जो है ये बेबी डॉज को एक्सेप्ट करने वाले हैं। देखिए, सिंपल से ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अब जो है, अगर आप अपनी वेबसाइट खोलते हैं और आप पेमेंट एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो इस वेबसाइट के जरिए आप डायरेक्ट बेबी डॉज के थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है और यूज केस बन सकता है बेबी डॉज का। अगर ऐसा होता है तो एक अच्छा यूज केस आपको इन फ्यूचर देखने को मिलेगा, जहां पर बेबी डॉज को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। जहां पर आपने लास्ट टाइम देखा होगा 50 क्वाड्रिलियन कॉइन को बर्न किया, उसी के साथ में कुछ ऐसी न्यूज जो बेबी डॉज को हिला रही है। सेकंड नंबर की अगर न्यूज की बात करें, तो कॉइन कैप मार्केट में बेबी डॉज की जो प्रोफाइल है, उसमें उसको ब्लू टिक मिल गया है। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ये जो है, उसके ग्राहक जो 3.5 लाख वॉचलिस्ट में जो लोग ऐड है, उन लोगों के लिए सबसे बढ़िया बात होने वाली है। बेबी डॉज का रैंक अगर आपने देखा होगा, जो कि अभी चलता था कुछ 1800-2600 के आसपास, अब जो वो रैंक आ गया है इमीडिएटली ग्रो करके, वो आ गया है 236 पे। और जो आपने रैंक देखा होगा बेबी डॉज का, वो चलता था कुछ 2600 के आसपास में लगभग, अब जो वो रैंक आ गया है सिर्फ 234 पे। ये एक बहुत बड़ा नंबर है जो कि जंप मारा गया है। अभी मार्केट में बेशक कहीं ना कहीं रेड पे चल रहा है, लेकिन आज जो है थोड़ा ग्रीन पे आया है, 1% प्रॉफिट में ही चल रहा है बेबी डॉज, और थोड़ा थोड़ा पंप मारना शुरू कर लिया है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम इसके यूज केस की, इसके वर्क की, इसके टीम के प्रोजेक्ट की, मीम टोकन के हिसाब से सोचा जाए, तो ठीक है, कोई फ्यूचर नहीं है। बट कहीं ना कहीं अगर हम लोग एनएफटी में देखें, ट्विटर पे 1.5 मिलियन की फैन फॉलोइंग देखें, और समय समय पर आने पर ट्विटर पे ट्रेंड करता है, ये कोई मामूली बात नहीं है, सेलिब्रिटी वाले काम चल रहे हैं। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ये कॉइन अपने प्रोजेक्ट्स बढ़ा रहा है, मेटावर्स में हाथ डाल रहा है, और साथ में अपनी यूज केस को बढ़ाते जा रहा है। यही सब कॉइन मीम टोकन से प्रोजेक्ट कॉइन बनाने में हेल्प करते हैं। कॉइन गीको पे बेबी डॉज ऑल टाइम ट्रेंडिंग चल रहा है, फर्स्ट नंबर पे सबसे ज्यादा सर्च करने वाला कॉइन। ये भी कहीं ना कहीं फैन फॉलोइंग ही है। देखिए, हर इंसान ने बेबी डॉज ले रखा है, और यही चीज है जो बेबी डॉज की इस हलचलों को ध्यान रखते हैं। जब भी कुछ अच्छा होता है तो लोग और परचेस करते हैं, SIP कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म होल्डिंग जो बढ़ती जा रही है, होल्डर्स की लिमिट, और यही सब कॉइन इस कॉइन को टॉप पे ले जाए। साथों साथ P2P B2B जो एक्सचेंज है, वहां पर पेयर्स के साथ ऐड हो गया है बेबी डॉज, जहां पर अब आप परचेस कर सकते हैं USDT, BUSD और डायरेक्ट USD, मतलब कि डॉलर के थ्रू आप बेबी डॉज को परचेस कर पाएंगे। अब ये सारी अपडेट्स, सीधी सी बात है, अगर आप सेल करने का सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक बार और आपको दिमाग लगाना चाहिए, मेरे हिसाब से भी समय और देना चाहिए, क्योंकि ये कॉइन यूज केस बढ़ा रहा है। और इसी तरह अगर बर्निंग चलती रही, जो कि 50% अपनी सप्लाई पे आ गया, अब क्वाड्रिलियन में बर्निंग कर रहा है, दूसरी तरफ मेटावर्स में और NFT में हाथ डाल रहा है, तो मेरे हिसाब से अभी फिलहाल इस कॉइन को इस पैनिक मार्केट में नहीं सेल करना है, क्योंकि मेरे हिसाब से ईच एंड एवरी कॉइन डंप हुआ है, बहुत ज़्यादा डंप हुआ है, और अब जो है समय आ गया है उठने का। लेकिन मार्केट जैसे स्टेबल पर आएगा, तो आपको यही सारे कॉइन है जो सबसे पहले भागते हुए दिखेंगे। तो मेरे हिसाब से पॉपुलर कॉइन जिसकी फैन फॉलोइंग ऑलरेडी ज़्यादा है, ये कॉइन इतने जल्दी डंप नहीं हो सकते। बाकी आपकी मर्जी है। होप आपको इस वीडियो ने ज़रा सी इन्फॉर्मेशन देने की हेल्प की है। किए तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि 100% फ्री है। एंड अगर आपको लग रहा है ये वीडियो किसी भी बेबी डॉज होल्डर की हेल्प कर सकता है, तो उसके साथ शेयर जरूर करना। एंड अगर आप चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी बेस्ट वीडियोज में देने की कोशिश करता रहता हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड कीप स्माइलिंग।